कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैडेट काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पे जो है किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा है, उनका जो है स्वास्थ्य जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम यहां पे पहुंची है, क्योंकि आज इनका मरण व्रत का जो है 72 घंटे तो अधिक समय जो है वो निकल चुका है। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो धरना स्थल से जो है दिखा रहा हूँ, जहाँ पे बलदेव सिरसा है, उनके स्वास्थ्य की जाँच करने के लिए डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे पहुंची है। और कल देर रात को भी उनकी जो है तबीयत है वो बिगड़ गई थी, उसके बाद जो है उनको रात को ही एम्बुलेंस से जो है डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे पहुंची थी, उनके स्वास्थ्य की जांच है वो उन्होंने की थी, और उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है उसकी, और जो है शुगर उसकी जाँच की थी। और आज जो है फिर से जो है डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे पहुँचे, सिविल हॉस्पिटल सिरसा से डॉक्टरों की टीम है वो धरना स्थल पे पहुँची है। और बलदेव सिंह सिरसा है, उनके मरण व्रत के 72 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, 72 घंटे का उनका उपवास है वो हो चुका है, और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो उनकी जांच कर रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, और लगातार जो है किसानों का जो पक्का मोर्चा है वो यहाँ पे चल रहा है। और हम आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा पर हुए हमले को लेकर के सिरसा पुलिस ने 100 से अधिक जो है किसानों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे। उस मुकदमे को लेकर के 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, और 5 किसानों की गिरफ्तारी के बाद जो है किसानों ने ये निर्णय लिया था कि एसपी ऑफिस का घेराव किया जाए। एसपी ऑफिस के घेराव के दौरान जब घेराव करने के लिए जब किसान आ रहे थे तो उनको लघु सचिवालय के गेट के बाहर ही उनको जो है रोक लिया था, और तभी से ये जो पक्का मोर्चा है वो बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं वो यहाँ पे सिरसा में पहुँचे थे, और उसके बाद से जो है लगातार जो है इनका पक्का मोर्चा चल रहा है। विभिन्न गाँव से अलग अलग जो है किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे बलदेव सिंह सिरसा है, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए जो है डॉक्टरों की टीम है वो पहुँची है, और जो है उनके स्वास्थ्य की जांच है वो की जा चुकी है। और चूँकि हम आपको बता दें कि कल देर रात को भी बलदेव सिरसा है, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद है उनको एम्बुलेंस से ही जो है यहाँ पर जो है उनके ब्लड प्रेशर की और शुगर की जाँच की गई थी। उसके बाद जो है हालाँकि किसानों ने एम्बुलेंस को घेर लिया था, लेकिन जो है वो यहाँ पे उनको ले जाया गया था, लेकिन अब जो है फिलहाल फिर जो है बलदेव सिरसा है, उनके स्वास्थ्य की जांच है वो डॉक्टरों की ओर से जो की जा रही है। और खास बात क्योंकि सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और हमारे साथ डॉक्टर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य की जांच की है, हमें कुछ बताने के लिए मना किया है जी, प्रशासन से बात करनी पड़ेगी जी। हाँ जी, तो डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के लिए इनकार किया है, उन्होंने कहा है कि वो प्रशासन से इस पूरे मामले की वह बातचीत करेंगे, लेकिन जो है मीडिया से बातचीत करने के लिए डॉक्टरों की टीम है उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि उनकी जांच की गई है, ब्लड प्रेशर और जो है शुगर है, इसके साथ साथ अनेक जो है उससे स्वास्थ्य की जाँच की गई है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 72 घंटे से अधिक का समय है वो बीत चुका है, बलदेव सिरसा है वो मरण व्रत पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक जो है 5 किसानों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक उनका जो है मनोवर्तन जो है ये ऐसे ही जारी रहेगा, और पक्के मोर्चे पे जो है लगातार जो है किसानों का जो मोर्चा है वो चल रहा है। अलग अलग गांव से जो किसान हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, और डॉक्टरों की टीम है, किसान नेता बलदेव सिरसा है उनके नज़दीकी है, उनको इसके स्वास्थ्य की जांच के बारे में जो तमाम जानकारी है वो दे रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पर जो लंबे समय से जो है किसानों का जो है पड़ाव चल रहा है, भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, और किसान नेता बलदेव सिरसा है वो आमन अनशन पे बैठे हुए हैं। और हालांकि कल भी प्रशासन ने इनसे बातचीत की थी, और बातचीत के बाद हालांकि बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन प्रशासन ने ये कहा था कि बातचीत के रास्ते है वो खुले रखने होंगे, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन है वो किसानों से बातचीत करेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम जो है किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। तमाम जो पल पल की रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, इस पक्के मोर्चे से जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।